हेलो फ्रेंड्स, ममताज क्रिएशंस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं मीठे नीम की चटनी लेके आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। और जो भी हम इसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे वो सभी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और ये सूखी चटनी है और हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं, और हम जब चाहें जब इसको बना सकते हैं। और खाने में तो ये सुपर टेस्टी है, और इसको बना के हम स्टोर भी करेंगे, और इसका बनाना बहुत ही आसान है। हमारे घर अचानक मेहमान आ जाएं तो हम फटाफट से ये चटनी तैयार कर सकते हैं। तो इसके मसाले को हम किसी भी स्नैक्स के ऊपर डाल सकते हैं, और रायते के ऊपर डाल सकते हैं, किसी भी चाट बनाए तो उस पर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको दो तरह से बनाया, सूखी और गीली। आपको जैसी पसंद हो फटाफट से हम इसको तैयार कर सकते हैं। जब भी कोई मेहमान आए या कोई पार्टी हो तो हम इसको फटाफट से तैयार कर सकते हैं। तो ये खाकरा खाया जाता है जो राजस्थान में, बहुत ही इसका फेमस नाश्ता है। तो इसको बना के हम सफर में ले जाएं और इसको गीला करें या सूखा ऐसे भर के, बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन के तैयार होता है। तो ये पापड़ पे भी लगा के खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे तो ये राजस्थान का फेमस नाश्ता है, तो माउंट आबू सिरोही की तरफ ये खाया जाता है। जब बाहर सफर में जाते हैं तो पीपे में खाकरे ले जाते हैं और इस चटनी को ले जाते हैं। तो जब भी नाश्ता करते हैं तो इसी तरह बना के खाते हैं। तो ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये मीठे नीम के पत्ते ले लिए, जिनको मैंने अच्छे से धो लिया है, क्योंकि पत्तों पर डस्ट लगी होती है। तो पत्तों को धोने से डस्ट तो निकलती है और छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो वो भी हमारे साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने इनको अच्छे से धो के और चलनी में रख दिया था, तो ये अच्छे से सूख गए। थोड़े बहुत गीले रह जाएँ तो एक कपड़े की मदद से इनको सुखा लेंगे। और मैंने सारे डंडियों में से ये पत्ते अलग कर दिए। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा मीठा नीम हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होता है। इससे बाल भी काले होते हैं, घने होते हैं, हमारी स्किन भी ग्लो करती है, और पेट के लिए भी बहुत अच्छी रामबाण औषधि है। तो इसको हम ज़रूर से खाएंगे। तो इस चटनी में बनाएंगे तो इसके चार गुना टेस्ट बढ़ जाएगा। तो मैंने इनको किचन टॉवल पर डाल के अच्छे से सुखा लिया है। अब गैस की ओर चलेंगे और हम एक पैन रख देते हैं, उसमें एक चम्मच हम घी डालेंगे और इन सभी पत्तों को इसमें डाल देते हैं, जिससे अच्छे से ये कड़क हो जाने चाहिए। जब भी हमारी चटनी स्टोर हो पाएगी तो इस तरह से मैंने फैला दिया है। और इनको क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेक लेते हैं, जब तक हमारे पत्ते कड़क नहीं हो जाते। और गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे, तो थोड़ी देर में ये अच्छे से कड़क हो जाते हैं। तो ये अच्छे से टूट जाने चाहिए। हम इनको तोड़ के देखेंगे, ये क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इन पत्तों को एक उस बर्तन में निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने देते हैं। वापस से उसी पैन को लेंगे और इसमें एक चम्मच घी डालेंगे। ये अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें एक चम्मच हम जीरा डालेंगे। इसको अच्छे से तड़का लेते हैं, तो जीरे से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट भी चटनी में दुगना हो जाता है। अब दो चम्मच इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे और इसमें एक कटोरी हम मूँगफली के दाने भी डाल देते हैं। अब 7 से 8 कली इसमें लहसुन की डालेंगे। लहसुन नहीं खाना चाहें तो इसकी जगह हींग भी डाल सकते हैं। और इसमें एक कटोरी मैंने ये भुने चने की दाल ली है, तो इसको भी डाल देते हैं। भुना चने की दाल नहीं हो तो सिंपल चने की दाल भी डाल सकते हैं। अब एक चम्मच इसमें खड़ा धनिया भी डाल देते हैं, खड़ा धनिया ना हो तो हरा धनिया भी सुखा के डाल दें। 2 चम्मच इसमें नारियल का पाउडर डालेंगे और अच्छा चटपटा बनाने के लिए इसमें 7 से 8 लौंग काली मिर्ची डालेंगे। चटनी को चटपटा बनाने के लिए 7 से 8 इसमें साबुत लाल मिर्ची लिए, तो इनको भी हम तोड़ के डाल देते हैं। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेते हैं, ये क्रिस्पी हो जाने चाहिए सारे, जब ये हमारी चटनी लंबे समय तक टिक पाएगी। तो मैंने अच्छे से इनको भून लिया है, इनका कलर चेंज हो गया है। अच्छे टेस्ट के लिए इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, जिससे और भी इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। हींग से खाने का टेस्ट तो बढ़ता ही है, तो ये हमारे प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है, इससे हमारी चटनी ख़राब नहीं होगी। तो हींग हमारे पाचन को भी बढ़ाती है। तो ये सभी चीज़ें हमारे अच्छे से ये भुन चुकी हैं। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें थोड़ी देर इसी में रखे रहेंगे, क्योंकि हमारा पैन गर्म है तो और अच्छे से सिक जाएंगी सभी चीज़ें। तो मैंने इसमें कच्ची मूँगफली डाली है, अगर आपके पास भुनी मूँगफली हो तो उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम उसी थाली में निकाल लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको पीसेंगे। सभी चीज़ें ठंडी हो गई तो एक मिक्सी का जार ले लेते हैं और उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसमें नमक डालेंगे, तो 1 चम्मच सेंधा नमक है, 1 चम्मच काला नमक है, और 1 चम्मच आप मीठा खाना चाहते हो तो शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप खट्टा खाना पसंद करते हैं तो 1 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डाल दें। तो फ्रेंड्स, देखने से ही पता लग रहा होगा कि हमारी चटनी कितनी अच्छी बनने वाली है। मुझे थोड़ा सा कलर इसमें कम लग रहा है, तो मैं 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा, मिर्ची का तेजपन बढ़ जाएगा। तो इस तरह मैंने इसको पीस लिया है। देखिए फ्रेंड्स, कितना शानदार
हमारी चटनी का पाउडर बन के तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप इसको किसी तरह भी खा सकते हैं। तो मैंने इसको दो तरह से तैयार किया है। तो एक कटोरी में हम एक चम्मच घी डालेंगे और इसमें हम पाउडर डालेंगे, इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको खाएं, खाकरे पे लगाएं या कड़क रोटी कर लें उस पर ही लपेट के खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। एक में मैंने पानी लिया है तो उसमें हम भिगो देंगे, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल चटनी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसको मिक्स कर लेते हैं और ये दड़दड़ी रहती है। अब मैंने एक रोटी को अच्छे से तवे पर कड़क कर लिया, अब उसमें हम लगाएंगे तो बिल्कुल खाकरे के जैसी लगेगी, तो रोटी बच जाती है। तो इस तरह हम इसको खा के और अपना नाश्ता बना सकते हैं। तो इसमें एक चम्मच घी और डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो इसको अच्छे से रोटी को कवर कर देते हैं और चटनी लगा लेते हैं। थोड़ा सा मैंने सूखा पाउडर भी डाला है ऊपर से। तो इस तरह हमारे खाकरा और चटनी बन के तैयार हो गया। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बन के तैयार हुआ, ये बहुत ही टेस्टी है खाने में। और ये हमारी चटनी भी, गीली चटनी हमारी बन के तैयार हो गई, ये फूल गई हैं सारी चीज़ें। अब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे या अमचूर पाउडर डालें और इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। तो हमारा ये पाउडर बिल्कुल बन के तैयार है, खट्टे मीठे टेस्ट आता है इसका। अब इसी तरह हम पापड़ सेक लेंगे और पापड़ के ऊपर भी लगाएं तो पापड़ का बहुत टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है। तो इसी तरह इस चटनी को हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको ऊपर से भुरक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने चटनी पानी में भिगोई थी, ये कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। कोई भी आपके यहाँ मेहमान आए तो इस तरह हम चटनी बना के तैयार कर सकते हैं, ये फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। तो इसी तरह मैंने ये पापड़ पे इसको कवर कर लिया। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें, हरी मिर्च डालें, टमाटर डालें तो हमारी पापड़ चाट बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स कितना शानदार लग रहा है। तो इस पाउडर को हम दही बड़े पे भी डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल बारीक नहीं हुई है, थोड़ी दड़दड़ी रही है, लेकिन कितना अच्छा पाउडर बन के तैयार हुआ है। तो इसको हम एक किसी भी सूखे डिब्बे में ये बर्नी में भर के रख लें तो ये ख़राब नहीं होगी। अब इसको स्टोर करने का भी तरीका बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये सूखी बर्नी ले ली है, उसको अच्छे से सुखा लिया है और इसको हम स्टोर करेंगे। तो इस तरह हम इसमें सारा पाउडर भर देंगे। तो आप इसी चटनी को कितनी क्वांटिटी में बना सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी क्योंकि हमने सभी चीज़ों को सेका है। अब इसमें एक सूखा चम्मच डाल देंगे, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसी से निकालेंगे तो चटनी हमारी काफ़ी दिन तक चल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स कम सामान में हमारी कितनी अच्छी चटनी बन के तैयार हुई है। और इसके ढक्कन भी एयर टाइट होना चाहिए जिससे नमी नहीं पहुँचेगी, नमी से ही हमारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कि हमारी ये फटाफट बनने वाली चटनी कैसी बनी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर ऐसी यूनिक रेसिपी में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।